दिल्ली में बीजेपी नेता की गिरफ्तारी के विरोध में अब बीजेपी का विरोध प्रदर्शन है और आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यालय के सामने इस तरीके से दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता सहित अन्य जो बीजेपी के नेता हैं वो खड़े हैं, वो यहाँ पर आए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कुल मिलाकर इनकी मांग यही है कि अलोकतांत्रिक ढंग से पंजाब पुलिस की कार्रवाई की गई। आप देख सकते हैं तस्वीरों में आदेश गुप्ता है, दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, इसके अलावा अन्य जो नेता है वो मौजूद है और ठीक इसके सामने आम आदमी पार्टी का कार्यालय है। आम आदमी पार्टी के कार्यालय के सामने इस तरीके के पोस्टर्स लेकर ये खड़े हुए। पोस्टर्स में लिखा हुआ है गुंडा राज अराजकता का प्रमाण आम आदमी पार्टी। जाहिर सी बात है कि विरोधी पार्टी है बीजेपी दिल्ली में और इसलिए सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन कर रही है, लेकिन जो इस पूरे के पूरे प्रकरण पर राजनीति गर्मा गई है और इसका दूसरा पहलू ये भी है कि तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को दिल्ली पुलिस अपने साथ लाई है और उसके बाद यहाँ पर ये कार्यकर्ता है। अभय वर्मा जी हमारे साथ, हम इससे बात करते हैं। अभय जी, आप लोग विधायक भी है, आप तो बग्गा को बग्गा जी को वापस ले आ रही है पुलिस, तो अब आप यहाँ पे क्यों जमा हुए हैं? जो कुकर्म केजरीवाल ने किया है, जो एक काला कानून लागू करने का कोशिश किया है, पंजाब पुलिस को एक हथियार बनाकर दिल्ली के कार्यकर्ता को त्रस्त करने का जो कोशिश किया है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ आए। हम केजरीवाल के उस मानसिकता का विरोध करते हैं जो पंजाब पुलिस के बल पे देश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को धमकाना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि केजरीवाल के खिलाफ कोई बोलेगा तो उसको हम कहीं से भी उठा लेंगे। इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। हमारे बीच में पहुंचे हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। तो अब आप जा रहे हैं वहां पर? हमारा उत्तर पूर्वी दिल्ली जिला के आगे का क्या आपका कदम होगा? आज हम लोग केजरीवाल के कार्यालय आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे और उनको ये बतलाएंगे कि इस तरह का तानाशाही खेल तुम्हारा हम चलने नहीं देंगे, भंडाफोड़ करेंगे और तुम्हें परास्त करेंगे। अभय वर्मा जी थे ये दिल्ली से, लक्ष्मी नगर से बीजेपी विधायक थे और इसके अलावा अन्य जो नेता हैं वो यहाँ पर आए। कुल मिलाकर राजनीति इस पूरे प्रकरण पर यहाँ पर गर्माती दिख रही है। अजय मावर जी हैं विधायक हैं, अब अगला कदम क्या होगा आपका? अपने साथी कार्यकर्ताओं के साथ हमारे जो कंधे से कंधा मिलाकर के यहाँ खड़े हैं और केजरीवाल के दफ्तर के बाहर त्रिनगर थाने में आज जोरदार विरोध प्रदर्शन के लिए आज लोकतंत्र व्यवस्था कानून की व्यवस्था को दोबारा से सम्मान मिला है और अब पूरे क्षेत्र से कार्यक्रम की सभी व्यवस्थाओं में लगे दिल्ली पुलिस वापस लेकर आ रही है। जय प्रकाश लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत है। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करने वाले लोग आज कितने डरपोक हैं ये हम सब देख रहे हैं। तो दिल्ली के जो विधायक है बीजेपी के अलग अलग तरीके से अपना मत रखते हुए, अब क्यों महत्वपूर्ण है ये जगह, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं। देखिए ये दिल्ली बीजेपी कार्यकर्ता है, आईटीओ पर यह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ठीक इसके सामने अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आम आदमी पार्टी का दफ्तर है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के सामने आकर यहाँ पर ये विरोध प्रदर्शन हुआ है। तो कुल मिलाकर जो बीजेपी के प्रवक्ता की दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की जो गिरफ्तारी हुई है अब उसको लेकर बीजेपी यहाँ पर सड़कों पर उतर आई है और इस तरीके से कार्यकर्ता इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक सशक्त मुद्दा बीजेपी में बतौर विरक्षी दल बीजेपी बनाने की कोशिश इसको कर रही है और अब इसका राजनीतिक जो हमला है वो अपना बीजेपी तेज कर रही है। कैमरा पर्सन युगल के साथ अमित पांडे, दिल्ली न्यूज़ 18 इंडिया।